हम तो हैं जमीन। तो गाइस अभी जो है इन लोगों की हो चुकी है बहुत बुरी हालत, और मैंने जो है एक बैग उठाया है बहुत भारी सा, तो ये देख लो वो बैग है बहुत भारी। लेकिन जो अपने पंकू आई है वो भी थक चुके हैं थोड़ा सा, और हम जो है यहाँ पर फुल एनर्जी है, और यहाँ पे ग्रिप बनी है साइड में ताकि कोई ब्लॉगर आए और यहीं शमशान घाट में पहुँच जाए, उसके लिए शायद ये सारी चीज़ें होगी। तो वहाँ पे आगे बढ़ा भाई, चला ये बंदा नहीं थक रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन ये नहीं थक रहा है। और हमारे साथ एक डॉगी है, ये ऐसे आ चुका ट्रिप मारने, और ये इसकी चाल बहुत अच्छी खासी आ रही है, पता नहीं क्यों चलता है इतना। चलो हम भी चलते हैं इसको पकड़ने, बाद में मिलते हैं हम आपसे। तो गाइस यहाँ पे अपनी हो चुकी है बुरी हालत भाई, सही बोल रहा हूँ, ये दो बंदे अपने मेरे से कम हालत ख़राब इसकी हुई है, कहाँ गया वे ये रहा, और सबसे कम हालत ख़राब जो कहते हैं वो रहा आगे बंदा, और आप देख सकते हो वहाँ आगे तक के 10 मिनट का सफर है, ये बहुत ज़्यादा भारी भरकम वाला, तो उसको कवर करते हैं और फिर ऊपर हम थोड़ा रेस्ट ले लेंगे यार। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस सफ़र को। तो भाई जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम तुम्हारा भाई पहुँचेगा ऊपर, कैसे पहुँचा, हमने दो बैग उठाए यार, ये बंदा अकेले आ गया ऐसे है ना, और इसको गर्मी लगी हुई है, वाह। तो चलिए अभी तो हम ले रहे हैं एंजॉय, और भाई साहब एकदम ठंड ठंडा है एकदम, मौसम एकदम अल्टीमेट प्रो लेवल का। तो चाय की गर्मा गर्म चुस्कियाँ लेते हुए अपने बड़े भाई रोंगटे खड़े हो गए, इनके इनके दादू ने कहा था क्योंकि बेटा आप आते ही जैकेट खोल दो, और अपनी चाय ये रही। तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं और बाद में मिलते हैं। यहाँ पे जो है थोड़ी सी शुरुआत हो चुकी है आइस दिखने की, जो बर्फ़ है अपना वो धीरे धीरे पिघल भी रहा है और हमें दिख भी रहा है। तो वाह जो ये सफ़ेद, अच्छा वाह देखो किस प्रकार चिपकल रहा है ये, एकदम बोले तो चिपली है यहाँ पे बहुत। चलो सही है, तो जैसे जैसा आगे होता रहेगा वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। यार पीछे मैं गिरा थोड़ा सा, तो उसमें मेरे को ज़्यादा तो नहीं लगी, पर हाथ थोड़ा सा गंदा हो गया उसमें, तो थोड़ा संभाल के चलना अगर आप आओगे इन चांस तो संभाल के। चलिए अब चलते हैं। तो गाइस हाल फिलहाल हम लोग जो है अपने आधा जो ट्रैक है उसको पार कर लिया है, और हम लोग जो है सुसी पहुंच चुके हैं। तो अभी जो है आप नजारा लीजिए। हाल फिलहाल हम लोग जो आपको पता है सुसी पहुंच गए हैं। तो यहां से जो है खीर गंगा ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर रहता है, और बर्फ़ यहाँ पे पड़ तो नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे पीछे से ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे टिकी हुई है ना। वाह हो सरो चलो आगे भयंकर कहीं के मानो सही अंडो आगे था डंडा के पीछे ओए बंदर। चलिए सही है। तो यहाँ पे यार इन्होंने मेरे को फोटोग्राफर बना दिया, कैमरा बना दिया, यार मैं नॉट आई एम नॉट ब्लॉगर, आई एम नॉट वीडियो मेकर, बट आई एम अ पार्ट टाइम ब्लॉगर सम रीज़न। ओह माय गॉड आई एम स्पीकिंग दिस या ओके नाउ लिसन मी केयरफुली बिकॉज सम रीज़न आई एम नॉट अ फुल टाइम ब्लॉगर, बिकॉज फुल टाइम ब्लॉगर इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर, वाह ही इज माई ब्रदर एंड आई एम अ ट्रैवलर। ओके यहाँ से जो है अपना जो खीर गंगा का सफ़र रहता है वो 3 किलोमीटर का रहता है, और वो देखिए वाह जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो नेचुरल थी यार, नेचर थी नेचर, तो वाह नेचर, इसलिए मैंने कहा वहाँ पर बर्फ बहुत अच्छी पड़ी हुई है, और ये बंदा ला के आया स्प्रिट, वाह चलो सही है। तो यहाँ से जो है अब अपने को कम से कम आधा या 1 घंटा लगेगा खीर गंगा पहुँचने के लिए। तो चलिए बीच बीच में कुछ होता रहेगा, और बीच बीच में कुछ अलग कहते हैं, तो चलिए। तो गाइस अभी जो है हम पता नहीं कहाँ से आगे आ चुके हैं, लेकिन आ चुके हैं हम झरने के पास, दूसरा वाला झरना है ये, पहले झरने के पास हमने स्टे किया था, वहाँ पे चाय पी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक कैफ़े तो है लेकिन वो बंद है अभी, तो जब सीजन होगा तब होगा शायद ओपन,
तो अभी तो जरा संभाल के मेरी जान। तो चलिए धीरे धीरे हम चलते हैं और आपके साथ चलते हैं। एक दो तो और तीसरे भाई हमारे साथ लग जुड़ चुके हैं, तो चलो चलते हैं धीरे धीरे। जो है मोटी जंग लग चुकी है, चले जल्दी करा जी। चलो भाई क्या करा तुम्हारा। चलो भाई अब बड़ा भाई जीत चुका बंकू भाई से। यू विन। चला हो जाएगा ना फाइनल। चलो ठीक। तो गाइस जैसा कि हमें एक बंदे से पता लगा कि हम जो है पहुंचने वाले हैं खीर गंगा साइड, तो कुछ वहां जाते हो बे? चलो सही है। तो टॉफी खा रहा हूँ यार, टेस्टी है, खाना नहीं आता मेरे को। तो गाइस अभी जो है हमें पता चल चुका है कि खीर गंगा थोड़ी ही दूर में है। और ये बच्चा क्या खा रहा है? बेटा क्या खा रहे हो बोलो। चौकसली। या चलो सही है। तो अभी जो है हम कुछ ही क्षणों के भीतर खीर गंगा पहुँच जाएंगे, और हम जब पहुँचेंगे तो भव्य स्वागत नहीं होगा हमारा। चलो जय महादेव की। बोलो बच्चा जय महादेव। चलो सही है। तो चलिए चलते हैं। और ठंडी है यहाँ पे और बर्फ भी है, बीच बीच में हमने मस्ती भी की है यार। चलो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत सारा है, छोटे का गेम मनोरंजन दे रहा। तो यहाँ पे बच्चा चॉकलेट खाने की कर रहा है, चॉकलेट खाने बेटा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पार्वती कुंड, बोले तो खीर गंगा से कुछ मीटर की दूरी में। और ये अपने भाई यार अपन तो कैमरामैन बन के ही रह चुका है, तो वहाँ ऊपर जो है स्टीम दिख रही होगी आपको अवतार भाव। तो भाव देखो, और कुछ लोग जो मुझे देखना चाहते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, वो दुनिया में बहुत कुछ करेंगे। चलो बाबू भैया एक, ये बंदा थोड़ा जल्दी चलता है तो करके चलो सही है। तो अभी जो है आपको मिलते हैं कुंड के पास में, तो चलिए बिना रुके हम भी चलते हैं। यार एक बात अलग है, क्योंकि जो बर्फ़ है उसका रिफ्लेक्शन फेस में बजता है, और जो हाँ चल कुछ नहीं है तरता, और जो फेस है ना वो बहुत ही वाइट दिख रहा है अपना। तो ऐसी ये बात कि पहले जरियाल ब्लॉक था उसका फेस कुछ अलग ही टाइप का था, लेकिन अभी जो जरियाल ब्लॉक है वो सॉरी जो मैं हूँ वो फेस अलग जो हो चुका है, पता नहीं क्यों हो चुका है लेकिन हो चुका है। तो चलिए बाकी बर्फ तो यहाँ पे कठोर है, तो चलिए चलते हैं पार्वती माता जी के कुंड में, और वहाँ पर स्नान करते हैं और फिर देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं और कहाँ हम स्टे करेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको कितना प्राइस ब्ला 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 सब कुछ। तो चलिए अब चलते हैं। हम खीर गंगा पहुंच ही गए जैसे तैसे, ठीक है। और अभी आपको बताएंगे यहाँ से शुरू है, ठीक है। हम टाइम से ही पहुंच गए, अभी हम रूम लेंगे और इंजॉय करेंगे फुल ऑन, और क्या बोलते हैं बाकी आपको बताते रहेंगे। ये देखो जय पार्वती माता जय बोले। ये देखो खीर गंगा पहुंच गए हम, ऐसी है कुछ वादियों के बीच, देखिए कुछ ऐसा है। वेलकम खीर गंगा गाइस, देखिए बिल्कुल। और हम जैसे तैसे पहुंच गए, इतना टफ भी नहीं है पर इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। बाकी नहीं कहाँ पे ये